हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया सो आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास सिक्स की सिविक्स का बुक है चैप्टर नंबर वन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी अभी तक आपके क्लास में ये पढ़ा लिया ले होंगे लेकिन मैं एक बार आपको रिविजन के लिए दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था डाइव बाय डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी मीनस कंप्रीहेंडिंग दैट ईच इंडिविजुअल इज यूनिक हर कोई जो है वो यूनिक होता है अलग अलग होता है इट ऑल्सो मीनस रिकोगनाइजिंग अवर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंडिविजुअल यानी कि हर एक चीज का चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो छोटा हो बड़ा हो या ह्यूमन बींग हो बट एवरी थिंग हैव डाइवर्सिटी इन इट और यू कैन से डाइवर्सिटी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पीपल प्लांट्स एनिमल्स एक्सेट्रा इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग फॉर एग्जाम्पल एक एग्जांपल में देती हूँ कि इंडिया एग्जिबिट्स डाइवर्सिटी एज प्रैक्टिस डिफरेंट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट एथेनिसिटी आप इंडिया के हैं अभी इंडिया में आपके आस पड़ोस में आपके नेबरहुड में शायद कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी रिलीजन्स आपसे अलग हो या फिर वे दूसरे भाषा में बात करते हो है ना मिस, सब में कोई ना कोई डाइवर्सिटी जरूर मिल जाएगा आपके घर में अगर दो तीन भाई बहन है आप लोग उनमें भी डाइवर्सिटी आपको दिखेगा अगर आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं तो कोई अच्छे से लिख सकता है कोई अच्छे से पढ़ सकता है तो डाइवर्सिटी होता है यही चीज इस चैप्टर को अगर फिर से पढ़ना है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा अदरवाइज मैं आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही कराऊंगी तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं तो टुडे वी विल डू द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर ओके क्वेश्चन सेलिब्रेटेड इन योर लोकैलिटी आप लिस्ट बनाइए की आपकी लोकैलिटी में डिफरेंट कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं विच ऑफ दीज से कम्युनिटीज उनमें से कौन कौन से फेस्टिवल्स को डिफरेंट रिलीजन या कम्युनिटीज के बीच में मनाया जाता है ये भी बताइए आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड आर ओनम, दिवाली होली कृष्ण जन्माष्टमी एंड क्रिसमस पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ओनम होली एंड क्रिसमस और जिस समय ओनम केरला में मनाई जा रही हो उस समय असम में बिहू मनाई जाती है पंजाब में दूसरा कुछ मकर संक्रांति मनाई जाएगी इस तरह से एक ही दिन में उसी दिन को अलग अलग ढंग से हर जगह में हर रीजन में मनाया जाता है सो दैट इज डाइवर्सिटी सो दिस वे यू कैन राइट ऑल्सो डिफरेंट फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन माई लोकेलिटी आर होली दिवाली ईद क्रिसमस रथ यात्रा छठ पूजा गुरु पर्व एक्सेट्रा होली एंड दिवाली आर हिंदू फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेडर इंडिया इन माई लोकेलिटी माई मुस्लिम एंड क्रिस्टियन फ्रेंड्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दीज फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे भी हम जहाँ रहते हैं वहां पर भी ऑल अदर मीन्स हिंदू की फेस्टिवल्स जो भी है वो क्रिश्चियन और मुस्लिम फ्रेंड्स भी मनाते हैं सिमिलरली हिंदूज एंड सिख्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्रिसमस एंड ईद जिस तरह से हम हिंदू हैं लेकिन हम लोग क्रिसमस के टाइम में क्रिसमस मनाते हैं ईद के टाइम में ईद भी मनाते हैं आई हैव सीन मोस्ट ऑफ माई हिंदू फ्रेंड्स वियरिंग द सांता क्लॉज कैप ड्यूरिंग क्रिसमस क्रिसमस के टाइम में हमारे जो हिंदू फ्रेंड्स हैं वो भी सेंटा क्लॉज कैप पहनते हैं रथ यात्रा इज मेनली सेलिब्रेटेड इन ओडिशा ओडिशा में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि देश के और कहीं नहीं मनाया जाता वो है रथ यात्रा बट इन माई लोकैलिटी वेन पीपल फ्रॉम ओडिशा टेक आउट द प्रोसेशन एवरी वन फ्रॉम द नेबरहुड पार्टिसिपेट इन दैट और जब हमारे लोकैलिटी में जितने भी ओडिशा के लोग रहते हैं वो जब रथ यात्रा निकालते हैं तो दूसरी नेबरहुड में आस पड़ोस के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं छठ पूजा इज सिमिलरली सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी द छठ पूजा इज डेडिकेटेड टू द सन एंड ष्ठी देवी बट इन माई लोकेलिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रॉम द वैन्यू ऑफ छठ पूजा अब छठ पूजा हमारे यहाँ पे जितने भी एस एम एस लोग हैं उनमें से भी बहुत लोग उस दिन पूजा में शामिल होते हैं या फिर पूजा करते हैं तो इसी तरह से आपके लोकलिटी में भी किस तरह से आप लोग अभी नवरात्रि चल रही है तो आप लोगों में से सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे ये सब कुछ देखने समझने की बात है नेक्स्ट वट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ ओके लिविंग इन इंडिया हम इंडिया में रहते हैं और इसका जो रिच हेरिटेज है, डाइवर्सिटी है जिसमें हेरिटेज रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी जो है एकदम अलग अलग बहुत सारी अ लोक नृत्य लोक कथाएं फिर पारंपरिक पोशाकें सबकी अलग अलग है तो आपके लाइफ में इसमें से क्या फायदा होता है क्या लाभ होता है या क्या आप, आपको भी एड हो रहा है आंसर The people of India belong to different caste and races and embrace different religions. इंडिया के लोग डिफरेंट कास्ट के होते हैं, डिफरेंट रिलीजियंस के होते हैं। Living in India with its rich heritage has added colors to our lives. जैसे कि हिंदूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धास, जैन, सिख सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स टुगेदर। हर हर किसी religions के रिलीजियंस के फेस्टिवल्स हर कोई मनाता है। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट एंड रेसेस एंड एम्बरेस डिफरेंट रिलीजन्स जो इंडिया के लोग हैं वो डिफरेंट कास्ट के होते हैं डिफरेंट रेसिस के होते हैं लेकिन हर हर कास्ट को हर कोई सम्मान करता है द इन हैबिटेंस ऑफ इंडिया एंड ग्रेटली डिफरेंट फ्राम अदर्स इन ड्रेस कस्टम्स एंड ईटिंग हैबिट्स ये मैंने भी बताया कि जो भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनकी डिफ्रेंसेस जो है वो ड्रेस में कस्टम्स में खान पान में दिखाई देता है सब में डिफरेंस कुछ दिखने को मिलता है ऑल दीज डाइवर्सिटीज हैव इंटरमिंगल विद ईच अदर एडिंग टू इंडिया रिच कल्चरल हैरिटेज ये सारी डाइवर्सिटीज जो है वो आजकल क्या हो रहा है कि इंटरमिंगल मिक्सअप हो चुका है और इंडिया में बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज लेकर उभरा है जिस तरह की गोवा की जो ड्रेस है जो पारंपरिक पोशाक है वो अभी वैसा ड्रेस आपको नहीं दिखेगा जाके गोवा में अभी हर जगह में जहाँ अगर गुजरात की बात करें या फिर आसाम की बात करें जो पारंपरिक ड्रेस है उस ड्रेस में आपको नहीं दिखेगा बल्कि यूनिवर्सल ड्रेस में दिखेंगे या तो फिर साड़ी या फिर सूट या फिर जीन्स इस तरह से सो so, दिस इज द ओनली कंट्री बूनिटी इन डायवर्सिटी मीन्स अनेकता में भी एकता पाई जाती है सिर्फ इंडिया में ही वाइज वर्स ऑफ ब्रीड्स कंफर्टेबली सो वी थिंक दैट लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एट्स ग्रेट एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ तो इंडिया में रहकर इतना रिच हेरिटेज है जिनकी भी धरोहर है और इतनी डाइवर्सिटी है इतनी अलग अलग कुछ मिलता है जो कि मिक्सअप होके हमारे लाइफ को बहुत ही ग्रेट बना देता है नो क्वेश्चन नंबर थ्री डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन इन इज एन अप्रोप्रियट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया यूनिटी इन इज इस से अनेकता में भी एकता वर्ड ये जो फ्रेज जो है ये क्या हमें इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए ठीक है वट यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड एवर फ्रॉम दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो पहली बार नेहरू जी ने बोला था और उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में तो वे क्यों इसने उन्होंने ऐसा कहा था यस yes.

यूनिटी इन डायवर्सिटी ही नहीं है बल्कि यूनिटी हो या डायवर्सिटी है हो लेकिन लोगों में ये अंदर से एक भावना जागृत होता है और उन हर कोई अपनी अपनी कस्टम्स को प्रैक्टिस करता है साथ में दूसरे भी उसे इंकरेज करते हैं कोई भी उसे बुरा नहीं मानते हैं नै यू मीन टू से डेट यूनिटी इन इंडिया वॉज नॉट इम्पोज बाय एनी आउटसाइड फोर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है इंडिया में अलग अलग धर्म अलग अलग कस्टम्स इसको बाहर से नहीं किसी ने जबरदस्ती कराई थी इंडियन यूनिटी है वेरी डीप रूट इंडिया की जो यूनिटी है वो बहुत ही गहरी है इट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट बिलीफ एंड कस्टम्स ये हंड्रेड ऑफ ईयर्स से चली आ रही है जो बिलीव और कस्टम जिसे इंडियन लोग बिलीव करते हैं झेलते आ रहे हैं इससे ये सारा बना है इंडिया हैड ऑलवेज वेलकम्ड एंड एसिमिलेटेड एंशियंट टाइम्स दिस टर्म इज वेरी अप्रोप्रियट टू डिस्क्राइब इंडिया विच इज इंस्पाइट ऑफ बिंग डाइवर्स विध मैनी लैंग्वेजेस रिलीजन कास्ट क्रीड एक्सेट्रा देर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस एमोंग पीपल इतनी डायवर्सिटी होने के बाद भी हर किसी के मन में एक एकता की भावना है क्वेश्चन नंबर फोर अंडर लाइन द लाइन इन दोयम संग आफ्टर जलियान वाला बाग मैसेकर विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्स एसेंशियल यूनिटी। ओके इस लेसन में आपको जलियान वाला बाग का जो कांड हुआ था उसके बाद एक पोयम गाया था उस गाने से आ, क्या रिफ्लेक्ट होता है उन उस, उस में से इंडियन की यूनिटी रिफ्लेक्ट होता है कितनी एकता है ये गाना फिर से आप गा के देखिए इन माय व्यू द फॉलोइंग लाइन रिफ्लेक्ट इंडिया असेंशियल यूनिटी द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टूगेदर टूडे गाने में क्या था कि आज हिंदू और मुस्लिम का खून एक साथ बह निकला है

वुमेन एंड मैन फ्राम डिफरेंट कल्चरल रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड गेम टूगेदर तो अपोज एम और जब ब्रिटिश हमारे इंडिया को रूल कर रहा था तो या वुमेन हो या मैन हो डिफरेंट कल्चर के हो या डिफरेंट रिलीजन के हो डिफरेंट रीजन के हो लेकिन एक साथ ही अपोज कर रहे थे उस बात का इंडिया फ्रीडम मूवमेंट है थाउजेंट बैकग्राउंड इंडिया की जो स्वतंत्रता सैनिक है, है वो अलग अलग बैकग्राउंड से है

विभिन्नताओं को दर्शाती है जैसे कि शायद एक जगह हो जहाँ की पहाड़ हो दूसरी जगह पठार हो तीसरी जगह खाई हो है ना तो उसमें क्या उन जगहों में हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स एक साथ कनेक्टेड हैं इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी नाउ आंसर एग्जांपल ऑफ वेस्ट बंगाल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वेस्ट बंगाल का ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वहाँ की ज्योग्राफिकल फैक्टर्स वेस्ट बेंगाल लाइज इन द रीजन ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वेस्ट बेंगाल जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया में बसा है ये स्टैचूज फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ टू दे ऑफ बंगाल इन द साउथ नॉर्थ में हिमालया से लेकर बे ऑफ बंगाल साउथ में बे ऑफ बेंगाल तक ये फैला हुआ है वेस्ट बेंगाल ये स्मॉल कोस्टल रीजन इज ऑन द एक्सट्रीम साउथ साउथर्न साइड में एक स्मॉल कोस्टल रीजन है जहां पर दीघा है है आप लोग गए होंगे वाइल्ड सुंदर रिमार्केबल लैंडमार्क एट द गंग डेल्टा और कोस्टल रीजन भी है वेस्ट बंगाल में साथ में डेल्टा रीजन भी है गंगा डेल्टा का भी रीजन है जहा पे सुंदर वन फॉरेस्ट है अब हिस्टोरिकल फैक्टर्स मीन्स हमने क्या देख लिया ये एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया है साथ में इसमें हिमालय हिमालय भी थोड़ा सा है साथ में कोस्टल एरिया भी है सागर के किनारे का एरिया भी है तो ज्योग्राफिकली ये बहुत ही डाइवर्स है हिस्टोरिकल फॉरेस्ट फैक्टर्स इट हैज क्लोज रिलेशन विद ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से थोड़ा सा मिलता है द मेजर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और मेनली द कल्टिवेशन ऑफ राइस ड्यू टू द फर्टाइल लैंड ऑफ डेल्टिक एरिया क्योंकि डेल्टिक एरिया होने की वजह से खेती अच्छी होती है और ज्यादातर लोग वेस्ट बंगाल में खेती करते हैं द पीपल ऑफ बंगाल सपोर्टेड द बंग्लादेश लिबरेशन वॉर दुर्गा पूजा ऑफ हिंदूज एंड ईद ऑफ मुस्लिम आर टू मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बंगाल तो हिस्टोरिकल फैक्टर और जोग्राफिकल फैक्टर में थोड़ा सा होने से भी रिलेशन होता ही है आप जिस एरिया से है मेंशन कीजिए और आपके एरिया में जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स में कौन कौन से सिमिलैरिटीज है आप जरूर मुझे बताइए ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लेसन को अच्छे से दो तीन बार पढ़ के एकदम मलाई मक्खन बनाइए और जितने भी हार्ड वर्ड है अभी भी आपके पास टाइम है अगर हार्ड वर्ड्स को आप लोग डिक्टेशन लेते हैं तो आपके लिए क्लास टेन में पहुंचते पहुंचते बहुत ही इजी हो जाएगा वर्ड्स आपकी वर्ड पावर भी बढ़ जाएगी आपकी स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी साथ में आपका प्रोनाउंसेशन भी ठीक हो जाएगा तो प्लीज़ अगर आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो मेरी बातों को जरूर ध्यान में रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे जाके आप लोग सक्सेस हो सके सो so, मेरे साथ बने रहिए मुझे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जो भी एडुकेशन के वीडियो डालती हूँ आपको मिल जाया घरें और खूब कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है थैंक यू